हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग मैंने सोचा कि मैं बना रही थी घर में पालक और कीमा। पालक तो आप लोगों को पता है ना, मेरा फेवरेट है, और साग और ये सोया वगैरह भी मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं घर में खाना बना रही, तो क्यों ना आप लोगों से रेसिपी अपनी शेयर करूँ, मतलब खाना बनाकर ब्लॉग बनाऊँ, खाना बनाते हुए ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। तो मैं करने लगी हूँ कुकिंग, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कुकिंग किस तरह करती हूँ। पालक कीमा आपके साथ मिलकर बनाएंगे। हालांकि मेरा इरादा जो था ना, वो दम कीमा बनाने का था, लेकिन आपको पता है दम कीमा बीफ के, यानी कि जो बीफ का मीट होता है, मतलब गोश्त होता है, उसमें दम कीमा अच्छा बनता है। तो मैंने सोचा कि दम कीमा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गोश्त लिया नहीं था और कल गोश्त मिल भी नहीं रहा था हमारी तरफ से। तो मैंने फिर चिकन का कीमा ले लिया था। तो चिकन के कीमे में ये पालक वगैरह, ये शिमला मिर्च और ये तो दूसरी चीज़ें होती हैं, हरी प्याज मटर वगैरह, ये ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ये चीज़ें बनाऊँ मिक्स करके। तो ये मैं बना रही हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर हो गया है चूल्हा गरम, ओ सॉरी पैन गरम। तो अब मैं इसमें डालूँगी घी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह मैं ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। और मैं मसाले भी प्लेट में निकाल के रखूँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं अदरक भी हो गया, और ये सोया काट के रखा है, ये मैंने कीमा धोकर रखा हुआ है, पालक सारी काट कर धोकर रख दी थी मैंने। तो मैंने सोचा कि मैं, तो तेल गरम करने के लिए मैंने भी चढ़ा दिया है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके मैं सालन बनाती हूँ। मुझे यही तरीका पसंद है, इससे टेस्ट भी आ जाता है। लेकिन तेल घर में नहीं था तो मैंने घी को ही चढ़ा दिया है, और थोड़ा सा अदरक ही डालना है, लहसुन मुझे ढालना नहीं है, क्योंकि लहसुन हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, हर जगह हर चीज़ में लहसुन मैं इस्तेमाल नहीं करती। कहीं कहीं अदरक, कहीं कहीं रेसिपी में अदरक भी मौजूद होती है, तो मैंने अदरक को थोड़ा सा निकाल कर काट कर पीसना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेहनत कर रही हूँ मैं इसमें इमरजस्ते में, और पीस रही हूँ मैं अदरक, थोड़ा से तो ये अदरक है। तो मैंने सोचा कि आज मैं खाना बनाते हुए ब्लॉगिंग करूँगी, और आप लोगों को भी कुछ नज़र आएगा कि मैं सिर्फ बाहर ही आती जाती हूँ या कुछ आता जाता भी है मुझे। तो मैंने सोचा लोगों को क्यों ना बताएं कि मुझे कुकिंग करना भी आती है। तो ये तमाम चीज़ें मैं कर रही हूँ, और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ, क्योंकि घर में कोई मौजूद नहीं है, तो वीडियो भी खुद बनानी पड़ती है और काम भी खुद करना पड़ता है, आप समझ रहे हैं ना चीज़ को। तो मेरा अदरक जो थोड़ा सा था वो मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं कीमा रखा हुआ है, पालक रखा हुआ है, सोया रखा हुआ है, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन। अदरक लहसुन तो खैर भी मैं पीसूंगी, ग्लेंडर करूंगी। तो ये दिखा दिए मैंने आपको, ये तमाम चीज़ें मैंने रेसिपी के लिए तैयार करके रखी हुई हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज का ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों से इस चीज़ पर ही शेयर करूँ। रोज़ रोज़ हर जगह का तो बनाती, क्यों ना एक दिन घर का खाना बना कर। ऑयल हो रहा है इसमें गर्म, और अब इसमें मैं डालूँगी प्याज आप लोगों के सामने। प्याज को ब्राउन करने के बाद इसमें कीमा डालेंगे, फिर अदरक लहसुन का जो अदरक का जो पेस्ट बनाया है वो डालेंगे, और वो आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह हम बनाते हैं खाना। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ यहाँ पर, थोड़ी सी प्याज है, थोड़ा सा ही चिकन था, तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ली हैं। अब ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ज़्यादा ही चीज़ें ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड करने से फिर जायका भी अजीब सा हो जाता है, क्योंकि अगर चिकन कम हो और प्याज ज़्यादा हो, अदरक लहसुन ज़्यादा हो, तो फिर उसमें मसाला मुँह में आने लग जाता है। तो बेहतर ये है कि जितना है यही आप उसके हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल करोगे, तो उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा आपको और उसमें जायका भी आएगा। तो मेरी हो रही है अभी प्याज ब्राउन, उसके बाद फिर मैं डालूंगी चिकन, और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह चिकन को भुनेंगे, उसमें फिर और मज़ीद मसाला वगैरह डालेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पालक वगैरह कब डालेंगे इसमें, और दूसरी चीज़ें कैसे ऐड करते हैं। आप प्याज ब्राउन करने में बिजी हूँ, अब वेट कर रही हूँ मैं प्याज ब्राउन होने का। ये आप देख सकते हैं मैं डाल दिया इसमें अदरक लहसुन, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। एक हाथ से मोबाइल पकड़ने में मुझे हो रही है शदीद तकलीफ, क्योंकि अब्दुल्ला घर में मौजूद नहीं है, बंदा वो इस तरीके से वीडियो बनवाता। आप बताएं मैं किस तरह इसको एग्री करूं। अब मैं इसको भून रही हूँ, उसमें हो गया थोड़ा सा घी कम, तो मैं ये पक रहा है। अब इसमें डाल दिया मैंने टमाटर, ये देख सकते हैं, और इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह, फिर मैं डालूँगी इसमें मसाले। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था तो ये कवर अप हो गया था। इतना सा तो कीमा, अब आप बताएं इसमें और कितना कुछ डालती। मैंने इसमें मसाला ढाल दिया है,
रेड मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें मिक्स करके, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ हल्दी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आ गया हमारा हल्दी का डब्बा, दिखाती हूँ, एक मिनट सब्र कर देना आप लोगों को। और हाथ में मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करनी है, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी खाने में, इतनी हल्दी नहीं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी हल्दी जितना मुझे खाना था उसके हिसाब से मैंने इसमें हल्दी डाली है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज मुझे वीडियो बनाने में, देख सकते हैं, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। खुशबू आ रही है, मुझे लग गई है अब चाय की तलब, क्योंकि अल्लाह भला करे मैंने अब ये सालन मुकम्मल तरीके से चढ़ा लिया, तो अब मैं चढ़ाऊंगी आपके सामने, बनाऊंगी चाय। और ये देख सकते हैं आप मेरे सालन का कलर, ये देख सकते हैं आप, तो मैंने पालक, और अब मैं पालक को मिक्स करने लगी हूँ इसमें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें पालक डाल दिया है ग्रीन ग्रीन, और अब मैं इसमें डालूंगी सोया। तो आप देख सकते हैं, तो मैं इसको भून रही हूँ, देख सकते हैं आप, तो ये भूनने में आ रहा है, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँ ताकि सोए की जो जायका, आप लोगों को पता है कितना मज़ेदार होता है, वो पालक में आ जाए, मिक्स हो जाए चिकन के साथ साथ। और अल्लाह आपका भला करे ये तमाम चीज़ें, इसका जायका एकदम मैच हो जाए इसके अंदर, ताकि फिर ऐसा ना हो कि मज़ा ना आए खाने में। आप लोगों को पता है बाज़ दफ़ा हर चीज़ का टेस्ट अलग अलग लगता है, तो फिर उसमें वो बात नहीं आती। और ऐसी ये कीमा और पालक वगैरह तो तकरीबन बहुत सारे लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को शिमला मिर्च और कीमा भी बहुत पसंद है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन इनमें से किसी एक इंसान ने जो है ना मेरे हाथ का शिमला मिर्च और कीमा भी खाया और उसको बहुत पसंद है, और वो भी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, तो एक नाम नहीं लूँगी बल्कि अच्छी बात नहीं छोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ये जो बर्तन निकले हैं ना बहुत सारे, ये मैं सब हैंड टू हैंड ही धो करके रखूँगी, मैं बर्तन किचन में जमा नहीं करती, सारा काम मेरा एक साथ ही हो जाएगा, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है ये। तो आप देख सकते हैं आज आपके सामने मैं मासी बनी हुई हूँ, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा ये मासी वाला रूप कैसा लगा है, अरे कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये मासी वाला रूप, मेरा ये काम करने वाला है रूप जो मैं कर रही हूँ किचन में खड़े होकर, और मैंने धो लिए जो बर्तन इस्तेमाल में आए थे वो सारे, तो अच्छा है ना, बर्तनों का ज़्यादा ढेर नहीं लगेगा। और आपको पता है सर्दी है, वैसे भी इंसान को बर्तन धोने में तकलीफ हो जाती है, तो मैंने सोचा कि ना मैं ये बर्तन धो के ही रख दूँ। मेरा कीमा बन जाए, मैं आप लोगों के सामने चाय भी बनाऊँगी, और जिस जिसको चाय पीनी तो आ जाए हमारे साथ बैठकर चाय पी ले यार। और कुछ लोग तो आते हैं, कुछ दोस्त तो मेरी ऐसे हैं जिनके साथ मैं सिर्फ बैठकर चाय पीती थी, तो मुझे वो दोस्त मेरी बहुत याद आ रही है अभी। आप लोगों के सामने कर लिया मैंने सारा अपना काम कंप्लीट, और ये अदरक लहसुन बाहर रखा हुआ ऐसे मैं फ्रिज में रखूँगी फ़ौरन ताकि ये ख़राब ना हो जाए, और धो लूँ मैं छुरी भी धो लूँ ना। अब मैं बनाऊंगी इसमें चाय, लूंगी मैं थोड़ा सा पानी, जब को मैंने धो के रख देना है।
ये देख सकते हैं आप लोग। तो जब को मैंने धो के रख देना है और डालनी है इसमें थोड़ी सी चीनी। आप ही बोल लोगे बिल्कुल ये तो घरेलू स्टाइल में ही काम कर रही है, मतलब जैसे डब्बे से चीनी निकाल के डाल रही है ऐसे ही पत्ती डाल रही है, ऐसी तमाम चीज़ें डाल रही है। तो आप लोगों को पता है हमने इसमें दिखावा कुछ भी नहीं करना, हमारे साथ जो जीनियन सिचुएशन है हमने उसी में रह के वीडियो बनानी है, यही यूट्यूब की शर्त है। अगर आप ज़्यादा दिखावा करते हैं तो फिर इसके लिए आपके लिए ही कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, इससे किसी के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होती। तो कॉम्प्लिकेशन से याद आया, मेरी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है कम्प्लीट। और मैं डालने लगी उसमें चाय की पत्ती, थोड़ी सी डाल दिया मैंने। तो जिस जिसका दिल चाह रहा है ना इस वक्त ये चाय देखकर अपने अपने घर में भी चाय बनाए और चाय पी ले। तो मेरा कप और मेरी चाय को होने वाली है रेडी, एक तरफ मेरा सालन बनने वाला है, एक तरफ मेरी चाय बन रही है। जो बर्तन मैंने इस्तेमाल किए थे वो मैंने हाथ के हाथ धो दिया आप लोगों के सामने। तो अब मैं अपने कीमे को देख लूँ, आ गई मैं अपने कीमे की तरफ। भूख लग रही है। तो आप देख सकते हैं मैं आकर बैठ गई हूँ कमरे में, मैंने सालन को अच्छी तरह भूना, अभी मैंने उसको हल्की आंच पर रख दिया है बनने के लिए। और मेरी चाय पक चुकी है, ये देख सकते हैं आप, वही कप वही चाय देख रहे हैं ना आप। तो मैं पी रही हूँ अपनी चाय और मेरा सालन बन रहा है वहाँ पर। अब सालन को थोड़ी देर भूनेंगे, भूनने के बाद फिर उसको अच्छी तरह देखेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, उसका टेस्ट चेक करेंगे, उसमें मसाले चेक करेंगे, उसके बाद फिर उसको रोटी के साथ खाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो मैंने यही सोचा था आज का व्लॉग मैं इसी चीज़ पर बनाऊंगी, बाहर का इधर उधर का व्लॉग तो मैं बहुत बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कुकिंग का भी व्लॉग बनाना चाहिए। घर में खाना बनाते हैं किस तरह बनाते हैं, कौन सा तरीका है हमारा, हम किस तरीके से कुकिंग करते हैं, तो वो सब भी तो दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। व्लॉग तो एनी वन होता है, सब तमाम चीज़ें आप इस पर दिखा सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसी स्टाइल में बैठ के ऐसे दुपट्टा गले में बांधकर घरेलू लड़कियों की तरह खड़ी हो जाऊं किचन में चमचा लेकर और चलाऊं चमचा और दिखाऊं आप लोगों को कि मैंने बनाया है आज खाना। और खाने में बनाई है मैंने अपनी फेवरेट डिश, तो मैं ये खा रही हूँ और मैं ये बना रही हूँ और फिर मैं ये खाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को भी ये डिश पसंद है तो अपने अपने घर में आप लोग ये वाली डिश बनाइएगा और लाजमी खाइएगा। तो अभी तो मेरी डिश पक रही है, बेसब्री से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। आपको पता है मसाला कच्चा रह जाने से मज़ा नहीं आता, हम मसाला ज़्यादा देर तक भूनते हैं ताकि उसमें टेस्ट रह जाए, टेस्ट आ जाए सालन में। देख सकते हैं आप किस तरह का बना। मैं आ चुकी हूँ कमरे में और देख सकते हैं आप मेरा सालन बन चुका है, ये देख सकते हैं आप कैसा बना है। मैंने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो हमारा ब्लॉग आज का यहीं एंड होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यार सबको इसका लिंक भेजें क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मैंने कैसा बनाया, आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ 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 अपनी राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।